इंटर में जो लोग स्क्रूटनी कर दिए थे, जिनको कम नंबर आया था कि इस सब्जेक्ट में मेरा कम है, या फिर जो लोग फेल कर चुके थे, जो लोग चैलेंज जीते नहीं, स्क्रूटनी किए थे, उन लोगों के लिए जो है रिजल्ट की फाइनल तारीख डिक्लेयर कर दी गई है। आपको इस वीडियो में पूरे वीडियो में दिखाएंगे और नोटिस के साथ दिखाएंगे कि कब आएगा आपका इंटर स्क्रूटनी यानी कि चैलेंज का रिजल्ट। तो चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। तो हेलो गाइस, हमें राज आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल डीसी वर्ल्ड में। दोस्तों फाइनली जो है चैलेंज इंटर जो जो लोग इंटर में फेल किए थे और जो लोग इंटर स्कूटनी का यानी कि चैलेंज किए थे या फिर जो फेल करके चैलेंज किए थे उन लोगों का जो है रिजल्ट फाइनली दे दिया गया है। उसका रिजल्ट नहीं दिया बिल्कुल, उसका जो है डेट जारी कर दिया गया ऑफिशियल, अभी अभी एक पेपर में दिया गया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा पढ़ के, जो जिसके अंदर डेट मेंशन किया गया है। उम्मीद करते दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इस तरह की अपडेट के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड अधिक से अधिक अपडेट आपको मिले तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की ओर, क्या है अपडेट, लेकिन वीडियो को देखने वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पेपर कटिंग है जहाँ पे लिखा गया है इंटर कॉपियों की स्क्रूटनी आज से, स्क्रूटनी मतलब जो जाँच शुरू हो जाएगा आज से। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे इसको देखिए, यहाँ पे पटना का ये न्यूज़ है जहाँ से कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ बारकी से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट, जैसा कि आप देख पा रहे हो इंटरमीडिएट स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट मिल जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा स्क्रूटनी 11 उसके बाद 11 से 16 जैसा कि आप देख रहे हैं 11 से 16 तक की जाएगी। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन बोर्ड के पास पहुंच चुका है, यानी कि जो आप लोग ऑनलाइन किए थे उसका बोर्ड तक पहुंच चुका है। विद्यार्थियों परीक्षार्थियों के लिए आवेदन के अनुसार संबंधित मूल्यांकन पर बारकोड, बैग नंबर और विषय की सूची भेज दी गई है। अब देखिए नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पे जरा इसको हम इसको पढ़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा इतना ही है कि स्क्रूटनी के लिए परीक्षक को स्थानीय स्तर पर केंद्र अधीक्षकों द्वारा रखा जाएगा। ऐसे शिक्षक जिन्हें न्यूनतम 1.5 साल का शिक्षक बनने का अनुभव हो मूल्यांकन में शामिल होंगे, यानी कि 1.5 साल का जिनको अनुभव है जिस टीचर को, वही लोग इस कॉपी को चेक करेंगे। तो फाइनली जो है इसका डेट जो मैंने बताया आपको कि ये जो है देखिए यहाँ पे 16 अप्रैल तक की जाएगी जो जो की गई थी उसको जो है आपको यहाँ पे देखिए ऊपर पे बिल्कुल ऊपर पे दिया हुआ है अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक, देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आपको जो है रिजल्ट चैलेंज का मिल जाएगा, यानी कि स्क्रूटनी का मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बस ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलता रहे तो बिल्कुल आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।